next event is 100 meters running race for physically challenged children. Give them a big hand. इंटरमीडिएट के बाद 3 साल बेड पे रहा, ना मैं चल सकता था, ना उठ सकता था, ना बैठ सकता था और ना करवट ले सकता था। एक जिंदा लाश की माने मैं उन 3 सालों में अपनी ज़िंदगी की उल्टी गिनती गिनता रहा। लेकिन कहते ना कि कुछ चीज़ें लाइफ में आपके लिए सबक और कुछ चीज़ें आपके लिए कामयाबी लेकर आती हैं, मेरे लिए शायद वो दोनों थी। मैं उन 3 सालों के बाद एक नाजुक सा बंदा, एक सख्त चट्टान की माने बन के खड़ा हुआ। तीन साल ज़ाया हो चुके थे और मुझे आगे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। उस सूरत में द ओनर ऑफ बिलाल बकाए कंक्लूजन मिस्टर बिलाल बकाए केम टू मी एंड आस्क यू कैन डू इट, हाउ कैन आई डू इट। उन्होंने कहा नहीं तुम कर सकते हो। आज वो एक लम्हा जब मैंने ये डिसाइड किया था कि नहीं मुझे आगे पढ़ना है, वो एक लम्हा मेरी ज़िंदगी का संगे भी साबित हुआ। और आज मैं माशाल्लाह ग्रेजुएट हो चुका हूँ और मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ लेक्सन ग्रुप में। इससे पहले भी मैं 7 महीने का एक्सपीरियंस वेब डेवलपमेंट में रख चुका हूँ। और इसके बहुत अच्छा आगाज हुआ और ये कि जो कुछ बना वहां से बनाइए। यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा मैं, एंड द लिविंग एग्जाम्पल ऑफ इट। Bakai Group Tuition was a success because of its execution, and I know and I wish that Bakai schooling system will be a success. I'm glad Bilal is interested in pursuing the use of hands-on experimental investigation in teaching science, both because it is important in giving students a full appreciation of where science actually comes from, and because he has demonstrated his ability in using this approach in teaching science. I think it would be great to see this kind of school developed, and I think it would be very successful.